इफ यू अलाइंग फॉर एनी इंटर्नशिप और एनी जॉब यू हैव टू सबमिट योर रेज्यू में यह बताते हुए कि अभी तक तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल दैट आई एम गोइंग टू रिव्यू योर रेज्यू में एंड गिव यू फीडबैक ऑन दैट एंड हाउ विल आई डू दैट आई विल टेल यू एट दफ द वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन रेज्यू में स्टार्ट करते हुए ये है की किस फॉर्मेट में बनाए मैं कहां से फॉर्मेट ढूंढ रेज्यूमे का देखो सबसे पहली चीज जो नहीं करनी है रेज्यूमे नहीं चूज कलरफुल बैकग्राउंड है अनलेस आर अपलाइंग फॉर सच रोल जहाँ पे ऐसा कुछ रेज्यूमे बनाने से यू स्टैंड आउट लाइक लेट्स से सोशल मीडिया इंटर्न और क्रिएटिव इंटर्न दिस इज रेज्यूमे का बनाया था फॉर माई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जॉब वेरी सिंपल

में ये किया था मेकश्योर sure की वो पॉइंट लेस देन हाफ सेंटेंस नाउ इफ यू सी माई रेज्यूमे यूल सी ऑल द सेंटेंसेज आर इधर कंप्लीट या फिर वो आधे से ज्यादा जगह ले रहे हैं इन द पेज ऑफ रेज्यूमे तो बात हो गए, की और कैसे लिखना है resume, तो बता कौन हो तो सबसे पहले तुम्हारा नाम जाएगा sure बड़ा, बड़ा नाम होता है तो प्रोफेसल नहीं लगता है नेक्स्ट थिंग दैट विल गो इज योर ई मेल आई डी मेक श्योर की रेट जी मेल डॉट कॉम इट शुड नेवर बी कृतज्ञ रोड की रॉक स्टार एट द रेट जीमेल डॉट कॉम ऐसा कुछ

लाइफ एनी वे कुछ लोग लैंग्वेजे स्पोकन डालते हैं बट इफ यू कैन जस्ट स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश इन इंडिया दैट इज दो मस्ट है योर जॉब रिक्वायर्स यू टू नो अ थर्ड लैंग्वेज की आप सेल्स में हो आप कर्नाटका में जॉब कर रहे हो और आपको कन्नड़ आती है

एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है करना जैसे कि मेरे केस में मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो करना ही था दैट वॉज माई फर्स्ट प्रायरिटी डिजाइन आई ऑल्सो न्यू डेटा साइंस आई ऑल्सो न्यू मशीन लर्निंग डीप लर्निंग जो भी अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है टू टेल देम अबाउट योर एडुकेशन अब एडुकेशन कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले सबसे लेटेस्ट वाली डिग्री आएगी इट्स गुड टू राइट सीजीपीए इफ यू गुड सीजीपीए इट्स नॉट एथिकल बट अगर सीजीपी बहुत खराब है यू आर अपलाइंग टू अंपनी जो लोग सीजीपी नहीं मांग रहे इट्स ओके इफ यू उमिट योर ग्रेड एज वेल यू कैन जस्ट टेल दटर अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिस दिस कॉलेज एंड यू डोंट मेन्शन योर सीजीपी इन द रिजूम एन दिस यू इफ यू गुड सीजीपी यू कैन शो इफ यू डोट है इट ओके इट्स अ ग्रे एरिया दट यू कैन ओमिट ये उसके बाद इफ यू आर रीसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज देन आई वुड सजेस्ट कि टेंथ और ट्वेल्थ रख लो अगर तुम्हें तो कुछ साल हो गए स्कूल से ग्रेजुएट हुए कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो यू कैन रिमूव योर टेंथ एंड ट्वेल्थ की स्कूल बोर्ड परसेंटेज इसका जरूरत नहीं होता जैसे मैंने टेंथ का हटा दिया बिकॉज आई डोंट थिंक वो वैल्यू डोंड कर रहा है वो बस स्पेस वेस्ट कर रहा है सबको पता है मैंने पास किया ही होगा नाउ आफ्टर योर एजुकेशन अब आएगा तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस या फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर जो तुमने प्रोजेक्ट किए हैं इन द प्रोफेशनल डोमेन जो तुम टारगेट कर रहे हो प्रति ऑब्वियस आई थिंक बाई नाउ की सबसे पहले तुम्हारी सबसे रिसेंट वाली जो जॉब है या इंटर्नशिप है वो आएगी एंड इट जनरली डेट के ऑर्डर में ही रखते हैं अनलेस देर इज एन एक्सेप्शन

हाँ मैंने इस कंपनी में इंटर्न किया बट वो मुझे बताया नहीं मैंने इंटर्न में क्या किया <laughs> अगर तुम लोग काम नहीं भी बता सकते हो देन ऑल्सो अ हाई लेवल आइडिया ऑन की कैसे प्रोजेक्ट थे कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया आई थिंक ये सब चीजें बताई जा सकती हैं। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क योर प्रीवियस एम्प्लॉयर मैनेजर कि भाई क्या नहीं बता सकता हूँ क्या बता सकता हूँ तो अब तुम्हें लिखना कैसे है कि

टेल दैट इम्पैक्ट ऑलवेज यूज डेटा की मैंने ये दो प्रोजेक्ट किए जिसकी वजह से दी ओवरऑल पेमेंट वॉल्यूम एट्रेजर पर हंड्रेड परसेंट बढ़ गया अब सोचो मैंने लिखा होता केवल वर्क ऑन विद डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स टू डिल्वेंट से प्रोजेक्ट था वो मैंने कर दिया और बस हो गया तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कंपलसरी नहीं है वो ऑप्शनल है इफ यू हैव सम गुड अचीवमेंट्स कुछ अवार्ड्स की तुम्हें कॉलेज में कोई मेडल मिला है तुमने रिसेंटली कोई कंपटीशन जीता है कोई hackathon जीता है एक्सेट्रा तो देन यू कैन पुट इट एज योर अवार्ड्स और अचीवमेंट्स ये बहुत बड़ा सेक्शन नहीं होगा मोस्टली दो या तीन पॉइंट्स होंगे लोगों के पास

विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर जॉब दैट हेल्प टेल द रिक्रूटर की हां तुम्हारे में एंथू है फॉर थिंग्स इन योर लाइफ

इट यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए कंपाइल ऑल ऑफ दिस एंड सेंड इट इन अ पीडीएफ फॉर्मेट ऑलवेज नेवर सेंड इट इन अ डॉक फॉर्मैट क्योंकि फॉर्मेटिंग इधर उधर हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के व्यूअर में नेवर सेंड इट एज अ इमेज फॉर्मेट ऑफकोर्स जो रेज्यूमे की फाइल का नाम होगा वो भी थोड़ा ढंग से रख सकते हो कि कृतज्ञ अंडर स्को रेज्यू में डॉ पीडीएफ इट्स बेटर दैट यू आर पुटिंग दी एफ तुमने रीनेम कर दिया उसको प्रॉपरली आफ्टर ऑल ऑफ दैट इज डन वेरीफाई द रेज्यू अपने दो चार दोस्तों को पढ़ा दो कि भाई हाँ सब कुछ सही लिखा है ना एंड हाँ दैट इज इट इफ यू फॉलो ऑल ऑफ थिंग्स If you have done good work, you're good to go. Send it across to recruiters and...